अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलसिम फूड लैब। आज जो रेसिपी मैं आपको बनाने वाली हूँ वो है चिली गार्लिक प्रॉन्स। ये हमने प्रॉन्स लिए हैं, ये मैंने मीडियम वाले लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ किया है, इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए आप। इसके बीच में एक रेशा होता है, ब्लैक रेशा होता है, वो हमें निकालना होता है बीच में से। इसे आप अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, एक अंडा, और इसका सॉस बनाने के लिए हमें कैप्सिकम, प्याज, हरा प्याज और चिली गार्लिक है तो उसके लिए हमने ग्रीन चिली ली है। और इस यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन चॉप करके लिया है, और चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर ली हूँ। और यहाँ पर सॉसेस हैं, रेड चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। सबसे पहले हम प्रॉन्स को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम लोग सबसे पहले कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 बड़े चम्मच, इसमें मैं डालूंगी मैदा, जिंजर गार्लिक, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, इसमें मैं एक अंडा डालूंगी। इससे हमारे प्रॉन्स काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करूंगी मैं। इसमें आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब हम प्रॉन्स ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से बैटर में कोट कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे और फिर इसे हम फ्राई करके निकालेंगे। यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। इसे हम लो टू मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। एक एक पीस हम सिंगल सिंगल डालेंगे। इसे हम 2 मिनट एक तरफ और 2 मिनट दूसरी तरफ इस तरह से फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉन्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट तकरीबन फ्राई करके निकाल लेंगे। डालने के बाद हम फौरन इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, तकरीबन 1 मिनट के बाद। अब मैं इसे टर्न करूंगी, नहीं तो इसकी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। इसे हम धीरे धीरे सब पलट देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी पेपर टॉवल पे ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से हम सब निकाल लेंगे। सब प्रॉन्स को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। इसके सॉस के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। मैंने सेम ही पैन यूज़ किया है, तेल को मैंने कम कर दिया है। इसके अंदर मैं इसमें चॉप किए हुए जिंजर और गार्लिक ऐड करूँगी पहले, और इसे अच्छे से भूनूंगी। चिली
चिली गार्लिक प्रॉन्स की जो ग्रेवी होती है वो ज़्यादा ठीक नहीं होती है। इसमें अब मैं प्याज ऐड करूँगी। हरी मिर्च और इसे हम तेज आंच पे भूनेंगे। तकरीबन एक मिनट के लिए हम उसे भूनेंगे तेज आंच पे, सॉफ्ट होने तक पकाएंगे हम इसे। साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसे हम सॉफ्ट करेंगे, वेजिटेबल क्रंची रहनी चाहिए इसके अंदर। शिमला मिर्च और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। रेड चिली सॉस, सोया सॉस, मैं यहाँ पर डार्क वाला यूज़ कर रही हूँ। टोमेटो केचप ऐड करूँगी थोड़ा। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर की सेलरी हम रेडी करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर की सेलरी ऐड करेंगे। इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब हम ग्रेवी में फ्राई किया हुआ प्रॉन्स ऐड कर देंगे। और इसे ग्रेवी में कोट कर देंगे अच्छी तरह से। आखिर में हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे और हरा प्याज और इसे मिक्स कर देंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे अभी हम, बस इसमें ग्रेवी में अच्छी तरह से टॉस कर देंगे। बस एक मिनट के बाद हम इसे सर्व कर देंगे। हमारा चिली गार्लिक प्रॉन्स रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।